हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू एडियो सीरीज़ आज की बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है इसमें हम कंपैरिजन करेंगे इकोनॉमी ऑफ़ पाकिस्तान का वर्सेस अदर डेवलपिंग एशियन इकोनॉमीज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आ, चार ऐसी इकोनॉमीज चूज़ की हैं जो बेसिकली ऐसी एशियन डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं जो कि अभी तक इतना ज़्यादा डेवलप नहीं की हैं लेकिन दे आर द नेक्स्ट स्टेप फॉर कंट्री लाइक पाकिस्तान टू अचीव तो इसलिए इन ममालिक को मैंने चूज़ किया कंपैरिजन के लिए आए चलें आ, थोड़ा सा डेटा और एनालिसिस करते हैं तो इस स्टडी का मकसद ये है कि डिटरमिन करना है कि क्या वो कोर फैक्टर्स हैं जो कि इन ममालिक मीशत को पाकिस्तान से सेलहदा करते हैं और क्या पाकिस्तान कर सकता है ताकि वो इन ममालिक मीशत के लेवल पर आ जाए तो आए चल स्लाइड शो शुरू करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहली स्लाइड में जो नज़र आ रहा है वो है जी डी पी पर कैपिटा अब जी डी पी पर कैपिटा इज बेसिकली द मेजर ऑफ हाउ हाउ मच आउटपुट वन इंडिविजुअल इन अ कंट्री इज़ मेकिंग इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि एक इंसान की uh, कितनी पैदावार है उस मुल्क की मैशत में टोटल अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टर्की मलेशिया एक लेवल पर हैं फिर उसके बाद इंडोनेशिया वियतनाम आते हैं फिर पाकिस्तान सबसे नीचे है तो इस वजह से पाकिस्तान रिलेटिवली पावर्टी पौ, में है इन बाकी ममालिक से लेकिन जो जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो नेक्स्ट स्टेप लेवल अप है पाकिस्तान के लिए वो है वियतनाम उससे अगला इंडोनेशिया और उसके बाद टर्की मलेशिया और उसके बाद फिर मजीद इन ऊपर जा सकता है पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्लियर डिफरेंसेस हैं अब जाके थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं डिटर्मिन करने के लिए कि ये डिफरेंसेस क्यों हैं। इस चार्ट में जो है नज़र आ रहा है वो है एक्सटर्नल डेट अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही में ममालिक चल रहे हैं कुछ की ज़्यादा है कुछ की कम है पाकिस्तान की ये ब्लू लाइन है आप कंपेरेटिवली देख सकते हैं कि बाक़ियों से ज़्यादा है लेकिन रिसेंट पास्ट में ये जो है अराउंड टू परसेंट है और बाक़ियों की लेस दैन वन परसेंट रही है एवरेज में और लेकिन वियतनाम जो है उसकी एक्सटर्नल डेट तकरीबन तीन चार परसेंट के बराबर जा रही है लेकिन जो आपको नज़र आ रहा है कि कि बिटवीन वन एंड वन एंड हाफ टू परसेंट का डिफरेंस है एज़ परसेंटेज ऑफ ग्रोस नेशनल इनकम तो जो एक कंसेप्शन है कि कर्जे की वजह से मईत नहीं ऊपर आ रही और इतने सारे मसले मसाइल हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है यस देर इज़ सम रिलेशनशिप बिटवीन डेट एंड ऑफ़ द इकॉनमी लेकिन uh, आप देख सकते हैं कि बाकी मुल्क जो uh, अपनी इकानी को ऊपर ला चुके ला सके हैं उनके पास भी डेट uh, का मसला था यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेट सर्विस जो कि uh, बहुत ज़्यादा इसको uh, एक पॉलिटिकल इशू बनाया जाता है ख़ास पर पाकिस्तान में कि डेट की वजह से बहुत सारे माशी मसलों साल हैं लेकिन जो डेटा शो करता है कि वो सिर्फ़ पिछले पाँच साल में पाकिस्तान के लिए ये मसला एक्सेसिवली और एक्सक्लूसिवली ज़्यादा बढ़ा है बाकी अगर माजी में देखा जाए तो बाकी ममालिक बराबर रही है एज़ परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट्स अब इस चार्ट में इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि जो टोटल डेट सर्विस है इन बाकी ममालिक वो पाकिस्तान से कई हमेशा से ज़्यादा रही है तो ये साबित करता है कि हाई डेट इज़ एक्चुअली नॉट दैट मच रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ वीक इकॉनमी डेट अगर सही यूज़ की जाए तो आपकी मैशतों पर उठी उठी जा सकती है पाकिस्तान जितनी भी डेट ले रहा है वो बाक़ियों से कम है तो आई थिंक इससे आप रूल आउट कर सकते हैं कि डेट इज़ दन ऑफ द मेन फैक्टर्स जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकानमी को ग्रो करने में मुश्किल हो रही है यहाँ पे एक और एक पॉइंट है जिसको मैं चो करना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि पाकिस्तान के माशी मसलों मसाइल का ताल्लक़ बनता है हाई मिलिट्री एक्सपेंडिचर से अब यहाँ आप देख रहे हैं कैस परसेंटेज ऑफ जी पाकिस्तान का हाँ रहा है ज़्यादा माजी में भी और अब भी लेकिन सिर्फ कोई एक परसेंट ज़्यादा इन कंपैरिजन टू टर्की वियतनाम मलेशिया इंडोनेशिया का तो बहुत कम है लेकिन बाकी ममालिक से अगर कंपेयर किया जाए तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आता यहाँ पे एक और इंडिकेटर है जिसको आ, आ, कहा जाता है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और वो है इन्फ्लेशन महंगाई जिसे कहते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चार्ट पाकिस्तान का जो ये ये लाइन जो है वो उची उसी कैंप में है जितने बाकी ममालिक हैं तो इन्फ़्लेशन एक एक्सक्लूसिव मसला नहीं है पाकिस्तान के लिए ये बाकी ममालिक में भी है और यहाँ आप देख सकते हैं कि कर अकाउंट बैलेंस जो कि आपका एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट का इंडिकेटर होता है वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा एक्सक्लूसिव मसला नहीं नज़र आ रहा पाकिस्तान के लिए मलेशिया का तो ज़्यादा है जो कि Uh, उसकी वजह है कि उनके उनकी एक्सपोर्ट ज़्यादा लेकिन बाकी ममालिक में अगर देखें जो कि एशियन टाइगर्स कंसिडर किए जाते हैं पाकिस्तान का करंट अकाउंट बैलेंस परसेंटेज ऑफ जीडीपी नॉट टोटल बट परसेंटेज ऑफ जीडीपी इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है यहाँ आप देख सकते हैं कि जो क्रॉप प्रोडक्शन इंडेक्स है जो मेजर करती है कि आ, आपकी एग्रीकल्चरल पैदावार वो भी पाकिस्तान की कोई ऐसी एक्सक्लूसिवली प्रॉब्लमेटिक नहीं नज़र आती कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की आ, आ, कुल मुकम्मल पैदावार में मसला हो पाकिस्तान की एवरेज बाकियों की एवरेज से मिलती जुलती है मलेशिया की ज़्यादा है लेकिन आ, बाकी ममालिक से इतनी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट्स में भी पाकिस्तान को कोई एक्सक्लूसिव डिसएडवांटेज नहीं है ना कोई ना एक्सक्लूसिव एडवांटेज है आ, तो इसका भी कोई नज़र नहीं आता कि यह कोई कॉज है प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सी रिलेशनशिप नज़र आती है कि बिटवित जी डी पी पर कैपिटा आप देख सकते हैं कि जिनम हाई जी डी पी पर कैपिटा है वहाँ हाई एफ डी आईज़ हैं और पाकिस्तान का कम है अब इस स्केल में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का अबाउट हाफ़ परसेंट टू वन परसेंट और जी डी पी एफ डी आईज होते हैं बेरसवियत नाम के कोई छः परसेंट होते हैं मलेशिया का देखा जाए तो चार परसेंट और बाकी मुल्कों का कोई भी वन परसेंट के करीब रहता है वन टू टू परसेंट तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आता लेकिन पाकिस्तान इज़ बिहाइंड इन दिस अगर पाकिस्तान ऊपर कर भी ले उसको तो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं नज़र आता लेकिन होगा ऑफ कोर्स इम्पेक्ट अब यहाँ मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कहा जाता है कि पाकिस्तान के माशी मसला मसाइल हाई इम्पोर्ट्स की वजह से हैं तो ये डेटा ये शो करता है कि पाकिस्तान इज़ एक्चुअली नॉट अ वेरी हाई इम्पोर्टर इन फैक्ट परसेंट ऑफ जी के तौर पर देखा जाए पाकिस्तान इज़ वन ऑफ़ द लोएस्ट ऑफ़ दिज एशियन टाइगर इकॉनमीज़ तो इसको भी रूल आउट किया जा सकता है कि हाई एम्पोर्ट आर द रीज़न डेटा के बेसिस पे वैसे तो ओवरऑल जो इक्वेशन होती है इकोनॉमी की वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और हर चीज़ हर दूसरी चीज़ से रिलेटेड होती है लेकिन मैं डेटा के बेसिस पे जो अनाल डेटा uh, के बे, बेसिस पे जो अनालस कर रहा हूँ उसमें दिखाना चाह रहा हूँ कि कोई एक अनोखा मसला नहीं है पाकिस्तान के लिए इम्पोर्ट्स इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि वैल्यू एडिड सर्विसेज एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी पाकिस्तान के मलेशिया तर्की टर्की के एवरेज के बराबर हैं इनफैक्ट और वियतनाम से ज़्यादा है हाउ दे आर नॉट हेल्पिंग कंट्रीब्यूट टू हाई ग्रोस नेशनल इनकम ऑफ पाकिस्तान अब ये चार्ट जो है पहला ऐसा चार्ट नज़र आता है जिसमें हमें ऐसी कोई रिलेशनशिप नज़र आती है विद जीडीपी पर कैपिटा अब ये देख सकते हैं कि ये जो बिल्कुल नीचे वाली लाइन है जो कि ब्रिटी मच ज़ीरो है ये पाकिस्तान की है इट्स नॉट एक्चुअली ज़ीरो इट्स अ वेरी इट्स अ लो नंबर क्योंकि इस चार्ट का स्केल जो है वो इतना हाई है जिसकी वजह से लग रहा है लेकिन आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो ऑर्डर जीडीपी पर कैपिटा का था वो वही है पाकिस्तान आ, इन, इन्डुनी, टर्की इंडोनीशिया मलेशिया वियतना और ये स्ट्रांगली को रिलेटेड लगता है हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट से तो ये एक फैक्टर नज़र आता है जो कि दिखाता है कि पाकिस्तान को एक्सक्लूसिवली डिसडवानटेज है इकानमी में वो इस वजह से है कि उनकी हाई हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स बहुत बहुत ही ज़्यादा कम हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो वैल्यू एडेड है एज़ परसेंटेज ऑफ जीडीपी उसमें भी एक रिलेशनशिप नज़र आती है विद ग्रोथ नेशनल इनकम जीडीपी पर कैपिटा से तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का कितना लो रह है और बाकी मुल्कों का उतना ही तकरीबन ज़्यादा है जितनी उनकी ग्रोथ नेशनल इनकम है ज़्यादा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक बहुत ही ज़्यादा प्रोनाउंसड फैक्टर है जो शो करता है कि पाकिस्तान एक्सक्लूसिवली इस एरिया में स्ट्रगल uh, करता है वो है एक्सपोर्ट्स टोटल एक्सपोर्ट्स आप देख सकते हैं कि फॉर कम कंट्री जो कि एट्थ या नाइन्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड कंसिडर किया जा सकता है कि उसके एक्सपोर्ट्स कितने कम हैं अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक और फैक्टर जो ग्रोस नेशनल इनकम से स्ट्रांगली रिलेटेड है वो है इंटरनेशनल टूरिज्म रिसीट्स परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान Uh, उसी के हिसाब से जो ऑर्डर है जो जैसे ग्रोस नेशनल ना, इनकम है सो दिस इज़ ऑल्सो अ स्ट्रांग फैक्टर और कॉजिंग फैक्टर यहाँ पे भी एक्चुअली uh, इसको मैं ज़रा एडजस्ट करूँगा ताकि आपको नज़र आ जाए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी है वो भी स्ट्रांगली कोरलेटेड नजर आता है ग्रोथ नेशनल इनकम से और इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको जो कर्जे मिलते हैं उनकी एज बाय रेशो वो कम है बाकी ममालिक से एक्चुअली अ वेरी स्ट्रॉग को रिलेशन और इससे क्लियरली इंडिकेट किया जाता है कि ये एक वजह है पाकिस्तान की लो द ग्रोस नेशनल इनकम और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चार्ट इंडिकेट कर रहा है बैंक नॉन परफॉर्मिंग लोन्स टू ग्रो, टोटल ग्रोस लोन्स आ, पाकिस्तान को एक एक्सक्लूसिव चीज़ है जो पाकिस्तान की ज़्यादा है बाकी ममालिक से और वो बेसिकली इंडिकेट कर रही है कि जो कर्जे मिलते हैं बैंक्स की तरफ से उनका डिफॉल्ट रेट का कई गुना ज़्यादा है पाकिस्तान का एज टू तो बाक़ियों का जहाँ पे वो काफ़ी सिमिलर है डिफ़ॉल्ट रेट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रिलेटेड चीज़ जो डिफ़ॉल्ट होगी वो लैंडिंग इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट जो है पाकिस्तान का ज़्यादा है इतना ज़्यादा एक्सक्लूसिवली ज़्यादा नहीं लेकिन इट इज़ हायर और माजी में बहुत हाई रहा है तो यहाँ से थोड़ी सी रिलेशनशिप नज़र आती है विद द प्रॉब्लम ऑफ द लो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और विद द डिफॉल्ट रेट अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेड का डायरेक्टली एक्सपोर्ट से ताल्लुक़ है तो वही ऑर्डर नज़र आ जाता है जैसे ग्रोस नेशनल इनकम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का uh, नजर आ रहा था तो क्लियरली ट्रेड इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द वेल्थ ऑफ पाकिस्तान एंड द वेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल पाकिस्तानी तो यहाँ मैं कंक्लूड करूँगा अपना स्लाइड शो बेसिकली आप uh, देख सकते हैं कि हमने जो अनालिसिस किया हम जो डिटर्मिन करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा ग्रोस नेशनल इनकम पर पर्सन जो कि एक मेजर करती है पाकिस्तान एक आम पाकिस्तानी की दौलत को कि वो बाक़ी ममालिक है और उसकी क्लियर वजूहत जो नज़र आते हैं वो ये है कि हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स और जो डोमेस्टिक लैंडिंग है टू प्राइवेट सेक्टर वो प्रॉब्लम uh, है और जनरल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैन्यूफैक्चरिंग ये चार चीज़ें जो हैं डायरेक्टली रिलेटेड हैं पाकिस्तान एक आम पाकिस्तानी की uh, इकनॉमिक वेलबींग well से सो बेसिकली इससे जो बात सामने आती है तो कि क्या वो राइट स्टेप्स हैं पॉलिसीज़ के जिससे पाकिस्तान एक आम पाकिस्तानी की माली हालत इम्प्रूव हो सकती है वो ये है कि फाइनेशल रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए जाएँ कि बिज़नेस जो हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स या जनरली मैनुफेक्चरिंग और के लोन्स लेना चाहते हैं और बिजनेस सेटअप करना चाह चाहते हैं उनके लिए लो इंट्रेस्ट रेट्स हों अच्छी टर्म्स हों लोन्स के लिए और ज़्यादा वो आसानी से उन उन, उन उस लोन को वापस पे कर सकें तो डेटा शो करता है कि ये सारे जो स्टेप्स हैं अगर लिए जाएँ पाकिस्तान की इकानमी को बहुत फ़ायदा हो सकता है और एक आम पाकिस्तानी की माली हालत को बहुत फ़ायदा हो सकता है तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया एडियो सीरीज़ का आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो आप प्लीज़ अपनी आ, राय का इजहार करें कमेंट्स में मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें Thank you very much, Khudafis.